क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ क्वांटम मैकेनिक्स। देखो जब मैंने पहले बताया आपको फिर से कि होता क्या है, न्यूटनियन मैकेनिक्स होती है, न्यूटन वाली फिजिक्स होती है। न्यूटन फिजिक्स में क्या होता है, पहला नियम है उसका न्यूटन का, पहला नियम क्या है इनर्शिया वाला है कि कोई भी वस्तु बिना बल के गति नहीं करती, गति नहीं करती। सही बात है। हाँ पहला नियम क्या है, कोई भी वस्तु बिना किसी बल के गति नहीं करती, मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है। नंबर दूसरा क्या था इसका, जो F होगा वो होगा डेल पी अपॉन डेल टी के बराबर। ठीक। और तीसरा नियम था सिंपल सा, F डैश इक्वल टू है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया। ठीक। लेकिन अब क्या है, देखो फिजिक्स में क्या होता है यहाँ तक तो बच्चों को समझ में आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर न्यूटन, हम कहते हैं कि भाई ये रहा टेम्परेचर, ये रहा टेम्परेचर, इसमें न्यूटन का नियम लगाओ, तो आप सोचते हो ये क्या नई बात हुई। टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ तापमान के, तो कहता हूँ कि न्यूटन का नियम लगाओ इसमें, तो आप सोचते हो टेम्परेचर में न्यूटन का नियम कहाँ से आएगा। सही बात है ना, है ना। ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि भाई ये रहा न्यूक्लियस, ये घूम रहा इलेक्ट्रॉन, अब न्यूटन का नियम लगाओ, तुम कहते हो ये तो तीन नियम है, इनका कहाँ से लगाऊं। ठीक। या और थोड़ा सा हाई प्रोफाइल करते हैं, है ना, मैं कहता हूँ कि ये निकलने वाली एनर्जी और ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, है ना। ये नियम जो था, ये नियम था आपका स्टीफन का, ये भी न्यूटन से बना है, बट आप कहते हो इसमें कभी कुछ दिखता नहीं है ना, इन समय न्यूटन नजर नहीं आता कहीं भी। अब न्यूटन देखो कहाँ नजर आता है इन समय, देखो न्यूटन का क्या है, न्यूटन जितनी भी फिजिक्स है उस सब में रिलेटेड है, चाहे वो ऊष्मागतिकी है, नंबर है ऊष्मागतिकी में न्यूटन की एंट्री कैसे होती है, देखो एक होता है गतिक सिद्धांत, गैस का गतिक सिद्धांत है ना, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस कहते हैं इसे। ठीक है ना। तो जो गैस का गतिक सिद्धांत है, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, उसमें क्या होता है, हम कहते हैं गैस का जो अणु है, जो अणु है एक दूसरा अणु है, ये कंटेनर में बंद है और ये गति करते हैं, जब ये गति करते हैं तो इनके ऊपर क्या लगेगा, न्यूटन का नियम लगेगा, है ना। जब न्यूटन का नियम लगेगा तो एफ निकल गया, एफ से हम लोग क्या निकालते हैं, पी निकाल लेते हैं। सही बात है ना, बल का नियम सर निकाल लेते हैं ना पी। जब पी निकल जाता है मेरे पास में क्या है, वॉल्यूम है और मेरे पास क्या है पी है, जिस कंटेनर में गैस बनता है उसका आयतन भी मुझे पता है, और न्यूटन के नियम से मैंने क्या किया प्रेशर भी निकाल लिया, है ना। जब न्यूटन ने प्रेशर निकाल लिया तो पी वी इज इक्वल टू, ये क्या है गैस लॉ, गैस लॉ। तो मेरी थर्मोडायनेमिक्स भी न्यूटन के नियम से क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। समझ में बात है ना, आप केमिस्ट हैं क्या, केमिस्ट से बाहर कोई ना कोई। ठीक है, समझ में की बात, क्लियर। चलो ठीक, यहाँ पे न्यूटन का नियम ऐसे काम करता है। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं, लेट कंसीडर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें भी न्यूटन के नियम काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, है ना। न्यूटन का पहला नियम कहाँ काम करता है, दैट वाज द सिमिलरिटी ऑफ द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू टू इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को हम न्यूटन के नियम के बराबर रखते हैं। ठीक, फोर्स फोर्स सब एक से, ठीक है ना। तो इसको भी हम किस में रखते हैं, न्यूटन के नियम में
रखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी न्यूटन्स के लॉ काम करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज कौन सी आ गई, प्रकाश सर, रेडिएशन, रेडिएशन है ना, रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन का काम बिल्कुल सेम है, यही बात है। यहाँ से किसी भी चीज का रेडिएशन का टेम्परेचर निकाला जाएगा, और टेम्परेचर के बाद में एक तरीका ये हो गया, तरीका नंबर दो इसको निकालने का, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो ऐसे ऐसे करके तुम्हारा पेंडुलम जैसे जैसे चलेगा, क्या बोलते हैं सर, सरल आवर्त गति है ना। तो जो सरल आवर्त गति है, अगर हम इसकी थ्योरी से थ्योरी को समझेंगे तो क्या होता है, इसमें जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ बिकेम एंड देन इसकी एनर्जी निकाली जाती है और वो सब चीज़ें निकाली जाती है ना, यह प्रॉब्लम देख लीजिएगा। तो जो एनर्जी यहाँ निकाली जाती है इसकी, तो एनर्जी लगभग जो बराबर आती है उसको एग्जैक्ट क्या नहीं है, बट इट इज़ अ पाई, देयर वाज़ अ नंबर आठ है या दो आठ है या दो, देयर वाज़ अ नंबर, मास होगा इसका, इसका ठीक, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आती है उसका स्क्वायर। तो सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में अगर कोई पार्टिकल गति कर रहा है तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के और आवृत्ति के स्क्वायर के, समझ में आ रही है बात, बढ़िया सर। तो देखो न्यूटन के नियम हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो सरल आवर्त गति है, चाहे वो प्रकाशीय है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। और प्रकाशीय में ये नियम क्यों काम करता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं जो लाइट है वो क्या है, वेव है, और ये क्या है, वेव है ना। अगर हम वेव इक्वेशन की बात करें, वेव इक्वेशन वाई बराबर ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस क्या आएगा इसका, लैम्डा एक्स है ना, और लैम्डा एक्स मींस कैपिटल लेटर के एक्स, ठीक है।